हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर में किसी बच्चे को जब मोबाइल में कोई वीडियो प्ले करके दे देते हैं तो वो मोबाइल की स्क्रीन में इधर उधर टच करके उस वीडियो को काट देते हैं, फिर बाद में रोने भी लगते हैं, या कभी कभी किसी को भी बिना मतलब के कॉल लगा देते हैं, स्क्रीन में इधर उधर टच करके किसी को भी कॉल कर देते हैं या फिर किसी मोबाइल के एप्लीकेशन को ओपन करके छोड़ देते हैं, और कभी कभी तो हद ही कर देते हैं कि जब हम लोगों का मोबाइल लॉक रहता है तो वो मोबाइल को लेके लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं और बार बार गलत पासवर्ड डाल के फिर फोन को लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है फ्रेंड्स। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जिसके बाद से आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, आइए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक को कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में यूट्यूब ओपन है और उसमें वीडियो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने स्क्रीन में टच कर रहा हूँ कहीं पर भी तो मेरा स्क्रीन जो है उसका टच काम नहीं कर रहा है। मैंने अपने फ़ोन में एक ऐसा सेटिंग कर दिया है फ्रेंड्स, जिसके बाद मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में कहीं पे भी टच कर रहा हूँ तो मेरा जो स्क्रीन का टच है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और जब मैं चाहूँ फ्रेंड्स कि मेरा जो स्क्रीन का जो टच है वो काम करने लगे तो वो काम करने लग जाएगा, और जब मैं अपने स्क्रीन टच को लॉक करना चाहूँ तो मैं आसानी से लॉक कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, है ना ये कमाल का ट्रिक। इस ट्रिक को करने के बाद आपको बहुत सारे परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, सिंपल आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करते अब आपको यहाँ पे अलो ओवरले का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको इसे अलो कर देना है। अलो वाले बटन पे क्लिक करते आपके मोबाइल का एक सेटिंग ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है। इनेबल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपल बैक वाले बटन पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बस यही दो काम करने थे फ्रेंड्स आपको, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक डेमो बताएगा कि किस तरह से आपका स्क्रीन का जो टच है वो लॉक होगा और किस तरह से अनलॉक होगा, यहाँ पे बता रहा है, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ अच्छे से कि कैसे इसे लॉक और अनलॉक करना है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का जो सेटिंग है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से स्क्रीन टच को लॉक करना है और अनलॉक करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन का टच जो है वो सही से काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी लॉक नहीं है, अभी अनलॉक है, और उसे कैसे लॉक करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने स्क्रीन टच को लॉक करने के लिए सिंपल आपको अपने नोटिफिकेशन में चले जाना है। यहाँ पे आपको टच लॉक लाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल यहाँ पे लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो स्क्रीन का टच है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में कहीं भी टच कर रहा हूं तो मेरा जो स्क्रीन है उसका स्क्रीन का टच है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने स्क्रीन टच में लॉक लगा सकते हैं। अब अपने स्क्रीन टच के लॉक को अनलॉक करने के लिए सिंपल आपको फ्रेंड्स करना ये है कि आपके फोन के ऊपर में राइट साइड में फ्रेंड्स आपको एक ट्रांसपेरेंट अनलॉक का बटन दिखेगा स्क्रीन में, आपको उस पर डबल टैप करना है। जैसे आप उस पर डबल टैप कीजिएगा तो आपके स्क्रीन का जो टच लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो स्क्रीन का टच लॉक था वो बिल्कुल भी खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी अपने स्क्रीन के टच में लॉक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखा आपने कि ये टच स्क्रीन लॉक कितना मज़ेदार था। वैसे अब तक तो आपको इस एप्लीकेशन का नाम पता चल गया होगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको इस एप्लीकेशन का नाम पता नहीं चला है कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टच लॉक लाइट है। इस एप्लीकेशन का नाम टच लॉक लाइट है और आप इसे आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।